यथा मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारिये पवन कुमार सिया वरामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान उमापति महादेव बोलो भाई सब संकल लूका महा
श्री राम जय राम जय जय Hey.
Thank you.
लेकर शरद ऋतु के आकाश के नीचे भाव जगत में प्रवेश करते हुए श्री वृंदावन धाम चले। भगवान की ये कथा
धर्म क्षेत्र स्थित मांगल्य मंदिर के सप्तदेव की आशीर्वादक छाया में यज्ञवल्क मंडप में फिर एक बार हम गाने जा रहे हैं। इस बार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला के बारे में गोपी गीत के माध्यम से कुछ चर्चा होने जा रही है। मैंने बंबई में गोपी गीत का प्रारंभ किया तब कहा था कि ये विषय बोलने का नहीं है, ये रोने का विषय है और बिनु रोए किस पाइए प्रेम प्यारे मीत। परमात्मा तो सबके हृदय में विराजित है लेकिन पाप का नाश नहीं हो रहा है इसलिए अनुभूति रुकी हुई है और पाप का नाश इस कलिकाल में भगवत कथा के माध्यम से जितनी सरलता से होता है इतना सरल सहज साधन हमारी दृष्टि में कोई नहीं बैठता। तो आइए परमात्मा की पावन कथा का दर्शन करें। एक तो श्रीमद् भागवत परमहंसों का शास्त्र, इनमें भी दशम स्कंध जिसको आचार्यों ने भगवान का हृदय भी कहा है और उसकी लीला को निरोध लीला भी कही है, कि प्रसिद्ध मंतव्य है आचार्यों का। भागवत के इस भाग में जो परमात्मा का हृदय माना गया है इस स्कंध से हृदय के विचार, हृदय के विकार, हृदय का विलास, हृदय का विरह और हृदय का विरह जनित प्यार पांच वस्तु प्रकट होती है। इस पर गौर फरमा, जहां हृदय होता है वहां ये सब चीजें लागू होती है। हृदय के विचार होते हैं अपने अपने सबके, कहीं हृदय में विकार पड़े हैं विकार होते हैं, हृदय का विलास भी होता है। हृदय की पीड़ा विरह और इनसे पैदा हुआ प्रेम, ये पांचों घटनाओं का दशम स्कंध में वर्णन है। इनमें गोपी गीत जो जिसकी परिणति जिसका परिणाम आखिर में गाते गाते रोने में बदल गया है, इति गोप्य प्रगायन, ऐसे गाते गाते गोपी जन सुस्वर में रोने लगी, ये जो गीत है बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है, उसकी चर्चा
जो भगवान प्रेरणा करें सो करने जा रहे हैं। ये पहला दिन है। प्रारंभ में थोड़ी चर्चा आप सब यदि अस्त करें, हमने गोपी गीत की कथा में प्रथम भाग में प्रथम श्लोक की चर्चा करते हुए कहा था कि हमारे देश में यानी हमारी ऋषि परंपरा में नव गीतों का महत्व है। अद्भुत नव गीत इस देश ने दिए। इन गीतों की परंपरा में चार गीत तो भागवत जी में आ गए, इसलिए गीतों की परंपरा में गीतों के इस दिव्य प्रदान में भागवत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाकी शेष पांच भागवत के प्रसिद्ध चार गीत, इनमें से गोपी गीत की चर्चा हम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं वेणु गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत और गोपी गीत। सब अपनी अपनी जगह विशिष्ट है, अद्भुत है। सबका अपना स्वतंत्र स्थान है, भूमिका है। मनीषी लोग, आचार्य लोग गाते गाते थके नहीं। तो ये वेणु गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत और ये चौथा गोपी गीत जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, ये चार गीत तो भागवत अंतर्गत है। पांचवा गीत जिसको मैं अक्सर कहा करता हूं गोप गीत, जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गाया था, जिसको हम गीता के नाम से पुकारते हैं, ये गोपी का गीत है। तो वो एक परम गोप का गीत था, वो गोप गीत था, वो भी आखिर एक गीत ही है। पर ये सब क्रम में चलते हैं। गोपी गीत के बाद ही तो गोप गीत आया, पहले गोपी गीत की लीलाएं आई, फिर कभी भगवान श्री कृष्ण बड़े होकर कुरुक्षेत्र के रणांगण में गोप गीत के माध्यम से विश्व को न जाने कितने आदेश प्रदान कर देते हैं। तो ये पांचवा है गोप गीत। छठा है जय देव का गीत गोविंद, बड़ी विरह था, सराबोर है गीत, इच्छा था। मैं कभी कभी सोचता हूं गीत गोविंद की स्वतंत्र कथा कर दी गई थी। जयदेव ने जो अवस्था का अनुभव किया वो गीत गोविंद, इस देश को छठा गीत दिया। सातवां गीत हरि गीत, जिस पर से संसार में, संसार के काव्य जगत में हरि गीत प्रचलित हुआ, यह हरि गीत सातवां गीत है। और मैं बड़े आनंद से, प्रसन्नता से कहूंगा आठवां गीत है तुलसी का गीतावली का गीत, जो गीतावली में सब गीत सुरक्षित है, जिसको राम उपासक गीतावली रामायण कहते हैं, वो आठवां गीत है। एक विद्वान ने मुझे कहा
कि आपने बंबई की कथा में कह दिया कि नव गीत है, लेकिन चर्चा नहीं की थी, तो शायद आपकी दृष्टि में सब ये गीत हैं। उसने 5-6 ठीक बताए जो मेरे व्यास दादी सोच रही थी, लेकिन 8 तक पहुंचे, फिर कहा कि नौवा गीत कौन, और तब हमने कहा कि कोई स्वीकारे न स्वीकारे नौवा गीत, क्योंकि ऋषि परंपरा में आज तक कई ऋषि मनीषी इस संसार में आए और नौवा गीत दिया एक ऋषि प्रतिभा बंगाल की भूमि ने, कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने, जिसको हम गीतांजलि कहते हैं, ये नौवा गीत। मुझे इसलिए आनंद है कि प्रारंभ गोपी करती है। भागवत जी के गीतों से प्रारंभ होता है और आज के संसार तक हम चले तो ये अंतिम गीतों का एक अंतलि प्राप्त हुई। कई विषयों की चर्चा में जिस चर्चा हुई जिस गीतों में, ऐसा गीत एक मनीषी ने दिया। तो ये नव गीत जो है अद्भुत है, और नवों में करीब करीब परमात्मा की ही चर्चा है, श्री हरि की चर्चा है, गोविंद की चर्चा है, यदुवीर या तो रघुवीर की चर्चा है या तो अध्यात्म की चर्चा है। तो ये नव गीत विश्व को जो मिले हैं, इनमें से भागवत जी का गोपी गीत, उसकी तो क्या बात कहे, कैसे उसकी चर्चा करें। केवल वाणी को पवित्र करने के लिए, गाने के लिए ये विषय ले रहा हूं। तो ये गोपी गीत की कथा शुरू हो रही है। प्रथम श्लोक तो हमने बंबई में कुछ जो प्रेरणा हुई, जो साधु संतों से आचार्यों से पाया, सो कहा था। आज एक कदम आगे बढ़ने जा रहा है इसी क्रम में। तो आइए भाव जगत में श्री वृंदावन धाम में, जहां एक घटना घटी थी। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल मल्लिका विक्षरन्त मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद की वो बड़ी दिव्य रात्रि, पूर्व भाग आप सब जानते हैं, इसलिए उसका चर्चा विस्तार करना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको मन नहीं है, ऐसे परमात्मा को मन प्रकट करना पड़ा, मन का आश्रय लिया, योग माया का आश्रय लिया और एक दिव्य लीला की। अवतार की लीला और लीला की फिर कथा, ये तीन भाग है। संभवामी युगे युगे पहले अवतार लेता है कोई न कोई रूप में, फिर उनकी लीलाएं शुरू होती हैं और फिर इन लीलाओं का गान होता है कथा के रूप में। आज का बौद्धिक जगत कहते हैं कि ये कथा में क्या है, कथा क्यों सुनी जाए, एक ही बात दोहराई गई है सदियों से, युगों से, इससे क्या मिलता है, ऐसा प्रश्न किया करते हैं। लेकिन कथा के बिना, मैंने इसलिए कहा कि ऐसा साधन
और कोई नहीं है। साधन तो बहुत है, लेकिन जीव को पाप से मुक्त करने का कथा जैसा सरल साधन कोई नहीं है। तो अवतार लीला करता है, लीला की कथा का फिर गान होता है, और जब इसी कथा का आयोजन होता है तब कथा के बारे में जिज्ञासा करने वाले, कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले, हमारे शास्त्रों में आया है कि तीनों पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो कथा का प्रश्न करता है, कथा का आयोजन करता है, कथा की जिज्ञासा रखता है कि हमें ये कथा करानी है, हम उनके लिए हमारे साधनों से हम जो कर पाए व्यवस्था करेंगे। एक कथा की जिज्ञासा है, कथा के लिए एक प्रश्न रखा गया कि एक कथा कही जाए। प्रश्नकर्ता जिसमें आयोजक से लेकर सब आ जाते हैं, फिर कथा कहने वाला वक्ता और फिर सुनने वाले सभी श्रोता। पुरुषान स्त्री पुनान्ति वासुदेव कथा प्रश्न शुण्वन्ति पृच्छन्ति, कितने कितने शब्द आए। भगवान श्री कृष्ण की कथा के बारे में जो पूछता है, जो वक्तारम है, जो कहता है, जो सुनता है, फिर वो स्त्री हो पुरुष हो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान की कथा जो अवतार की लीला और लीला की कथा जीव को पाप से मुक्त करती है, ये आनंद आने का कारण ही है। हमारे पाप कटने लगते शुरू हो जाता है, कथा में जाने का आनंद शुरू हो जाता है, कथा में बैठने का आनंद, फिर कथा पूरी होने के बाद एक विशिष्ट आनंद की अनुभूति। ये सब आनंद की अनुभूति का प्रमाण ही यही है, ये प्रमाण है कि पाप कटे, पाप कम हुए, तभी ये घटना घट सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, फिर लीलाएं की, फिर उनकी कथा चली। ऐसी दिव्य कथा प्रारंभ हो रही है, तब श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ने एक बहुत बड़ी सुंदर बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसने कहा कि भगवान की कथा क्यों सुनी जाए, कृष्ण कथा क्यों सुनी जाए, दशमस्कंद उनके प्रति लोगों का इतना भाव क्यों, ये कथा में क्या है। उसने चार बात बड़ी महत्व की कही, वो पहले दिन आपसे महाप्रभु जी कहते हैं, भगवान की कथा इसलिए आनंद देती है क्योंकि वो शुद्ध है। किसी ने पूछा महाप्रभु जी को कि पूर्ण शुद्ध है परमात्मा की कथा, इसका मतलब, बोले दोष से मुक्त है। तो फिर जिज्ञासु अटका नहीं, उसने फिर एक प्रश्न पूछा कि दोष से मुक्त है मानी कोई दोष नहीं है इसलिए। तो बड़ा विचित्र जवाब पाया आचार्य चरण से, उसने कहा कि भगवान की कथा इसलिए दोष से मुक्त है, इसलिए शुद्ध है क्योंकि सभी दोषों से भरी भरी। बड़ा विचित्र है, परमात्मा की कथा सभी दोषों से भरी है, दोष रहित दूषण सहित, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। बड़ा विचित्र, और एक आचार्य बोल रहे हैं कि भगवान की कथा दोषों से भरी हुई है इसीलिए वो निर्दोष है।
और निर्दोष होने के कारण शुद्ध है। और बात बिल्कुल ठीक बैठती है भगवान की कथा, ऊपर की दृष्टि से देखो तो दोष से भरी है। एक गोपी गीत और उनके बाद के फिर रास का प्रसंग लो, फिर विहार का प्रसंग लो, तो बड़ों बड़ों को उसमें दोष दर्शन होता है। ये क्या बात है, ये कैसी कथा है। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन जो है उसके मुताबिक ही पर्दा फाड़ करके उसकी चर्चा की जाए तो बड़ों बड़ों को उसमें दोष दिखाई देगा। इसमें दोष है, और दोष है इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं वो निर्दोष है। बड़ी विचित्र बात है, और उसका एक ही कारण जवाब है जो रामचरितमानस से मिलता है, भागवत जी से भी मिलता है। समरथ कहू नहीं दोष गोसाई, समरथ कहू रवि पावक सुरसरी की नाही, रवि पावक भगवान का कुरुक्षेत्र का मैदान लो, क्या दोषपूर्ण कथाएं नहीं मिलती महाभारत में? कितने प्रकरण आपको ऊपर की दृष्टि से देखोगे तो दोषपूर्ण पाओगे। जीवन पर्यंत मां के गर्भ में था, फिर मां का दूध पिया, फिर मां की अंगुली पकड़कर चलना सीखा, फिर आचार्यों के पास ब्रह्म विद्या प्राप्त की, और फिर अपने पूरे जीवन में जिस महान व्यक्ति ने सत्य का आचरण किया, ऐसे धर्मराज को कुरुक्षेत्र के मैदान में उनकी जबान से असत्य बुलवाना, बुद्धिपूर्वक बुलवाना, क्या वो दोष नहीं है? मानस तो कहता है नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और जानबूझकर समझ करके अस्वस्थामा हता की जो बात महाभारत में आई, फिर नरोवा कुंजरोवा की जो बात आई, क्या एक इतने धर्मिष्ठ सत्यनिष्ठ व्यक्ति को असत्य में प्रवृत्त करना भगवान कृष्ण की ये लीला दोषपूर्ण नहीं है क्या? लगती है दोषपूर्ण। कथा आप जानते हैं, मैं तो केवल एक मिसाल के तौर पर कह देता हूं, लेकिन हरि समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण को जब बहुत काल बीतने पर पूछा गया कि महाभारत का युद्ध चल रहा था तब द्रोणाचार्य को समाप्त करने के लिए, तो जो आपको सफलता प्राप्त करनी थी पांडव पक्ष में, इसलिए आपने धर्मराज से जो असत्य कहलवाया, थोड़ा खेल किया, थोड़ी चतुराई का प्रयोग आपने किया, क्या वो ठीक था? कहते हैं प्रभु की आंख में उस समय जवाब देते समय आंसू आए। ये सत्यव्रत है जो सत्यम परम धीम ही है, लेकिन समाधान जब देता है तब लगता है कि तेरी हरेक कथा दोष मुक्त है, पूर्ण विशुद्धता है, तुम्हें कोई दोष नहीं छू सकता। भगवान कृष्ण ने प्रश्न पूछा था कि किसी के अंतःकरण की मनोभावना तुम लोग जान सकते हो? कहा नहीं। फिर प्रश्न पूछा कि
मैं जान सकता हूं कि नहीं उसके बारे में आपकी क्या राय? बोले आप तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, घट घट की जानते हैं, घट घट में विराजित हैं। तो बोले मुझे भी अच्छा नहीं लगा था उस समय झूठ बुलवाना, फिर भी मैंने एक कदम उठाया। उसके पीछे द्रोण के मन में उठा मनोभाव था। द्रोण के मन में कौन सा? बोले द्रोणाचार्य को पता था कि कौरव वंश का नाश होगा, दुर्योधन आदि कोई बचने वाले नहीं, वो जानते थे। सब मरेंगे, पर एक बार द्रोण ने विचार किया था, उसके मन में ये भाव उठा था कि मेरा बेटा चिरंजीवी है, अस्वस्था मां वो तो मरने वाला नहीं। और जब पूरा कौरव की सेना समाप्त हो जाएगी तब बचेगा केवल अस्वस्थावा, क्योंकि वो चिरंजीवी है, और वो बचेगा तो हस्तिनापुर की गादी मेरे पुत्र को प्राप्त हो जाएगी। ऋषि इस अशुद्ध भावना को मिटाने के लिए मुझे अशुद्ध प्रयोग करना पड़ा था, कंटक से ही कंटक निकाला जाता है। एक आचार्य के मन में ऐसा कुभाव प्रकट हो गया, एक ऐसी एक वृत्ति निर्माण हो गई, इस अशुद्ध भाव को निकालने के लिए मैंने अशुद्ध प्रयोग कर दिया, बाकी मुझे कोई दोष नहीं लगता। तो कई प्रसंग भगवत चरित्र में ऐसे आते हैं। आचार्य चरण का एक खुलासा बड़ा अद्भुत है कि दोषों से भरी लगती है लेकिन दोषों से पूर्ण मुक्त है, इसलिए भगवत कथा, भगवान की लीलाएं और फिर उनकी चलती कथाएं शुद्ध है। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ, इस पंक्ति का पाठ कर लो। मंगल करनी कलिमल कथा रघुनाथ की, तुलसी तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी शुद्ध है, क्योंकि लीला परम शुद्ध है। दूसरी बात, आचार्य चरण कहते हैं भगवान की कथा स्निग्ध है, जैसे दूध होता है शुद्ध होता है स्निग्ध होता है।
भगवान क्यों क्षीर सागर में शयन करते हैं? क्षीर समुद्र में वो रहते क्यों? आचार्य चरण क्यों इस स्वरूप की वंदना करते हैं? इसके पीछे क्योंकि उनकी जो लीलाएं, उनकी जो कथाएं हैं, वो दूध की तरह शुद्ध है और स्निग्ध है। इस दूध, अब तो कई प्रकार की दवाएं, पाउडर, साबुन की गुटिया से कैसे निकली है कि बात और है। बाकी पुराने जमाने में आप जानते हैं कि दूध का दाग कपड़े पर गिर जाता था तो मिटना मुश्किल हो जाता था, अपनी अपनी छाप छोड़ देता था, कुछ न कुछ मात्रा चिकनापन छोड़ जाता था, क्योंकि उसमें स्निग्ध तत्व है। भगवान की कथा साधक के हृदय पर कोई न कोई छाप छोड़ देती है। भगवान की कथा तुम बोल न सको, सब लोग भगवान की कथा जानते हैं। क्या कृष्ण की कथा, राम की कथा के बारे में आपको पता नहीं? आप सब जानते हैं कि क्या है, लेकिन आप बोल नहीं पाते। तो भगवान की कथा बोल नहीं पाना, समझना चाहिए कि कोई पाप रुकावट कर रहा है। भगवान की कथा सबको सुननी है, लेकिन सुन न पाए तो समझना कोई पाप रुकावट कर रहा है। सुनते सुनते, बोलते बोलते कथा की एक छाप हृदय पर पड़ जाए, एक अमीट, एक न मीटे ऐसी छाप पड़ जाए, एक ऐसा स्निग्ध भाव पैदा करे कि उनके बिना अच्छा न लगे, कहीं चैन न पड़े। उनकी लीला, उनकी कथा शुद्ध है, स्निग्ध है। तीसरी बात आचार्य चरण ने फरमाई है, वो है भगवान की कथा मिष्ट है, मधुर है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये अमृत है, ये मधुर है। दूध मीठा होता है, दूध मधुर होता है, तो परमात्मा की कथा बड़ी मधुर है। मिष्ट है। और चौथा सूत्र बताया है, भगवान की कथा पुष्ट है, पुष्टि करती है, पोषक तत्व प्रदान करती है, जीव को धन्य बना देती है, पुष्ट बना देती है, भक्ति को परिपक्व बना देती है भगवान की कथा। तो इसीलिए कथा है, क्योंकि वो शुद्ध है, वो स्निग्ध है, वो बड़ी मधुर है और हमको पुष्ट करने वाली ये कथा है। तो परमात्मा की कथा बड़ी दिव्य है। तो आइए ऐसे लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की इस परम पावनी लीला जो आलाप, प्रलाप और विलाप की ओर हमें ले जाती है, जो तीन बातें मैंने गोपी गीत में कही कि गोपियों ने आलाप किया, गाया, फिर प्रलाप किया, जोर जोर से कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे गोविंद, और फिर जब हार गई, ये निरोध की परिसीमा थी। निरोध की तो कितनी कितनी व्याख्या है, पतंजलि में निरोध की व्याख्या भिन्न है, वेदों में निरोध की व्याख्या है कि प्रलय कर देना, सबका नाश हो जाए, उसको वेद कहते निरोध। लेकिन भागवत की निरोध की जो बातें हैं उसमें फिर साधक को कुछ नहीं करना, हमारे चित्त का निरोध कृष्ण। इसलिए भागवती ये निरोध बड़ा अद्भुत। निरुक्त पतंजलि ने भी चित्त वृत्ति के निरोध में योग की अनुभूति बताई है,
पर वेद में तो स्पष्ट निरोध का अभिप्राय है कि प्रलय, निरोध उसको कहते हैं जो प्रलय विनाश सबको समाप्त कर दे। लेकिन भागवत जी की दशम स्कंद वाली निरोध की जो लीला है उसमें आखिर में जीव को उसकी निस्साधनता ही पूर्ण निरोध है, जो आखिर में वो रो लेती है। रुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, उनका रोना केवल एक ही वस्तु के लिए था, केवल कृष्ण के दर्शन। यहां कोई ये बात नहीं कि कृष्ण मिलन, कृष्ण संग विहार, कृष्ण संग वार्तालाप, कृष्ण कहीं उसको ले चले, ये कोई भावना नहीं व्यक्त की गई है सुखदेव जी ने। केवल एक ही भाव बताया है, कृष्ण दर्शन लालसा, एक ही लालसा, कहीं से भी कैसे भी वो हमें दर्शन दे, हमें दिखाई दे। और वो दिखाई दे इसलिए गोपी गीत के दूसरे श्लोक में दृष्टि की बात है, ठीक से समझना। प्रथम श्लोक में दिशा की बात थी, जयति ते धिकं जन्मना कृष्ण को खोजती गोपियां। गोपी गीत का ये प्रथम श्लोक दिशा परक है, साधक को दिशा देता है। ये 19 श्लोक में न जाने कितने साधकों के जीवन की उलझने खोली गई है, कितनी ग्रंथियों को तोड़कर साधक को निर्ग्रंथ कर दिया है भगवान शुकदेव जी ने। अनंत उपकार है इस अवधूत का विश्व पर। तो प्रथम श्लोक में दिशा दिखाई थी और प्रेम में दिशा का महत्व नहीं है। मैंने कई बार ये बात रामचरितमानस के माध्यम से कही है कि ज्ञान में दिशा होती है, धर्म में दिशा होती है, लेकिन प्रेम में दिशा नहीं होती, दशा होती है। व्यक्ति की दशा हो जाती है, एक स्थिति बन जाती है। गुजराती में कहूं तो एमा दशा बैसी जाए। तो गोपी गीत के प्रथम मंत्र में जिस मंत्र का इन ऋषि रूपी गोपियों ने पाठ किया था, गान किया था, इस प्रथम ऋचा में दिशाएं दिखाई दी थी। लेकिन दूसरा ये मंत्र जो है उसमें दृष्टि की बात है, और दृष्टि ज्ञान की परख है। दृष्टि ज्ञान का रूप है, समझ का रूप है, उसकी ओर दूसरे श्लोक में इंगित किया गया। तो आइए गोपी गीत के दूसरे चरण में प्रवेश करें, लेकिन पहला श्लोक पुनः एक बार। जयति ते धिकं जन्मना
साधक की कई समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे बढ़ता है। इसमें दृष्टि की प्रबलता है। पहले मंत्र में दिशा, उसमें दृष्टि की बात आई है। और गोपियों को भगवान कृष्ण को अपने हृदय के भाव को मूल रूप में जो रखना था तो यहां वो बताने जा रही है। तो ये दृष्टि परक मंत्र है और यहां जीव की दृष्टि की चर्चा नहीं है, परमात्मा की दृष्टि की चर्चा है। कोई साधु, कोई साधक, साधु साधक शब्द जरा भारी लगेगा, समाज का कोई सज्जन, सज्जन आदमी की दृष्टि में भी ज्ञान और विवेक भरा रहता है, उसकी दृष्टि में भी आदमी नाप न ले सके इतने खजाने भरे होते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि की बात है, परमात्मा की दृष्टि की बात है, उनकी आंखों के सामने देखना पड़ेगा। ये मंत्र तभी ठीक से समझ में आएगा जब कोई साधक या तो ध्यान में, या तो श्रवण में, या तो गान में, या तो भागवत का पाठ करते हुए, या गोपी गीत गाते हुए कभी कभी कृष्ण की आंख देख ले। तभी ये मंत्र ठीक से समझ में उतरेगा। वरद निघ्न तो शरद सूरत नाथ दे
के नेत्र के बारे में सुखदेव जी ने जो अपने अनुभूति कही है, सो इस मंत्र में छिपी हुई है, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। मेरे भाई बहन, उसका दर्शन कल से हम करेंगे, लेकिन ये केवल पूर्व भूमिका के रूप में प्रथम मुझे आपको थोड़ा जो कुछ कहना था सो आपको व्यास दादी ने कहा। मैं एक बात कहकर फिर कुछ समय के लिए भगवान के नाम संकीर्तन करके वाणी को विराम दे दूंगा। एक गोपी गीत की इतनी चर्चा क्यों? भगवान सुखदेव जी ने इतने रहस्य उनमें क्यों भर दिए? कितने कितने आचार्यों ने उनका गान किया, उनकी चर्चाएं की, युगों से हम सुनते आ रहे हैं, इतना प्रिय क्यों लग रहा है? हम और आपको प्रिय है ऐसा ही नहीं। मैं पहले कहा करता था कभी कभी, अभी भी कुछ समय पहले मैंने ये बात कही थी कि वृंदावन से लौटकर जब उद्धव जी मथुरा आए और फिर गोपियों का पक्ष लेकर लौटे थे, वो प्रेम पक्षी बनकर आए थे, और फिर भगवान को बहुत डांटते हैं कि आपने ठीक नहीं किया, आपने अन्याय किया है ब्रजवासियों से। मैं जो दृश्य ब्रज का देखकर लौटा हूं गोविंद, असह्य था। जितनी सुनानी थी सब सुना दी उद्धव ने, निरुत्तर रहे प्रभु। और किसी को बहुत डांट दे और फिर डांटने वालों को ये लगे कि चलो कह दिया शब्द लेकिन नहीं कहना चाहिए था, फिर जैसे फुसलाने लगते हैं, ऐसे उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि चलो हमने कह दिया, हमसे सहा नहीं गया ब्रज की इस दशा को, इसलिए हमने कहा कि आप निष्ठुर है, ये है ये है, आपने ठीक नहीं किया, लेकिन चलो अब कौन सी बात कहूँ तो आप प्रसन्न हो जाए, मुँह लटकाए खड़े चुप खड़े हैं, तो हम आपको क्या कहे तो आप अपराधी हो जाए। उदो फुसलाने लगते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर से नयन जल को पोछते हुए कहा था, उद्धव मुझे प्रसन्न करना है, क्या तो एक काम करो उद्धव, गाओ गोपी गीत, तू मुझे गोपी गीत सुना दे, मैं इससे प्रसन्न। गीता तो मैंने गाई है, उनका गान करने से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कोई गोपी गीत का गान करे। रामचरितमानस का गान जैसे हनुमान जी और राम जी को प्रसन्न करने वाला है, ऐसे गोपी गीत का गान स्वयं परमात्मा को, कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। उद्धव के सामने भगवान श्री कृष्ण ने यही बात रखी थी कि उद्धव तुम एक बार गोपी गीत गाओ, बहुत समय बीत गया तुम गाओ। उद्धव तुम गाओ गोपी गीत, उद्धव Oh
जिसने मुझको चारों दे दिया वो हो गया नचीत। मन दे दिया, बुद्धि दे दी, अंतःकरण के चारों भाग, अहंकार दे दिया, चित्त दे दिया, वो फिर निश्चिंत हो जाता है। गोपियों ने मुझे चारों दे दिया, मन तो उसने दे ही दिया था, बुद्धि होती तो रात को क्यों भागती, सबको छोड़। बुद्धि ये काम करने को नहीं आज्ञा देती, बुद्धि होती तो वो नहीं भाग सकती। चित्त तो मुरारी पादार पित, चित्त बुद्धि। और थोड़ा अहंकार आ गया था उसमें, मान आ गया था, मानिनी हो गई थी, वो भी अंत में चूर चूर हो गया। और ये चारों उसने मुझे दे दिया, तब वो निश्चिंत नचीत हो गई थी। और संसार में जिसको भी निश्चिंत होना है, नचीत होना है, वो चारों मुझे देना सीखे, वो गोपी गीत से सीखे। उधो तुम गाओ गोपी गीत, उधो तुम गाओ उधो तुम गाओ गोपी गीत। जिसने मुझे बनाया सारथी, उसकी हो गई जीत, उसका विजय हो गया। लेकिन मुझे जो कहना है वो अंतिम पंक्ति में भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि अति कठिन है आत्मसमर्पण। संसार में सबसे कठिन है रुपयों का दान, बहुत आसान है। प्रतिष्ठा और सम्मान का दान बहुत आसान है, लेकिन आत्मसमर्पण बड़ा कठिन है। जिसको वैष्णवी भाषा में, रामचरितमानस की भाषा में शरणागति कहते हैं। अति कठिन है आत्मसमर्पण, क्योंकि आत्मसमर्पण के बिना प्रेम नहीं होता, प्रीत नहीं होती, इसलिए आत्मसमर्पण बहुत कठिन है। अति कठिन है आत्मसमर्पण, सबसे महंगी प्रीत। संसार में सबसे महंगी चीज प्रीत है, और बिना आत्मसमर्पण ये कभी सद नहीं सकती। और ये जो हुआ है गीत में, जिस गीत में, वो गोपी गीत है, और वो तुम मुझे सुना करके प्रसन्न कर सकते हो। एक ही उपाय है, उधो तुम गाओ गोपी हरे कृष्णा।
Thank you.
कथा विराम दे रही है। कल सुबह 10 बजे फिर थोड़ा दर्शन करेंगे भाव श्रद्धा के साथ। जय जय राम, बोलिए राम जन्म श्री बाल कृष्ण राम।